Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bath Skin Care में Oshia Wow Rich Feel Raga और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में Pile Beauty Corner पुराने साल की बाकी फीस सभी पेरेंट्स को जल्द से जल्द स्कूल को अदा करनी चाहिए कंप्यूटर स्पोर्ट्स एनुअल डे लेबोरेटरी एडिशनल कॉस्ट को माफ करना चाहिए बस ट्रांसपोर्टेशन की फीस कब से ली जाए फीस को आसान किस्तों में भरने की सहूलियत दी जाए कि जो ट्यूशन फीस है उसमें 30% माफ किया जाए महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुमरा कौसा के तमाम स्कूल कॉलेजों में फीस का मसला स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स के बीच में काफी दिनों से चल रहा है पेरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी फीस माफ की जाए हालांकि पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं मगर इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है वहीं आज खड़ी मशीन रोड स्थित डायमंड हॉल में एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान ने कौसा मुमरा के स्कूल के प्रिंसिपल मालिकों के साथ एक मीटिंग की फीस माफ़ी को लेकर इसमें करीब 70 से 78 स्कूल शामिल हुए इस मीटिंग में शमीम खान अशरफ पठान सैयद अली भाई साहब एजुकेशन जिला परिषद ऑफिसर राजेश मनीष जोशी ऐसे और भी एनसीपी के पदाधिकारी और नगर सेवक कार्यकर्ता मौजूद रहे इस मीटिंग में एनसीपी के तरफ से एजेंडा तैयार किया गया था कि इसमें मांग की गई कि पुराने साल की फीस पेरेंट्स जमा करें आरटीई का अमाउंट मनपा पे करें वैसे तो डोनेशन स्कूल कॉलेजों को मांगना ही नहीं चाहिए मगर इसके बावजूद एनसीपी के तरफ से कहा गया कि स्कूल कॉलेज डोनेशन ना मांगे एक्टिविटी फंक्शन कंप्यूटर स्पोर्ट आदि फीसें माफ़ की जाए नए यूनिफॉर्म स्कूल कंपलसरी करती थी इस साल कंपलसरी ना करे पेरेंट्स पर दबाव यूनिफॉर्म के लिए ना बनाया जाए बस ट्रांसपोर्ट फीस तब ली जाए जब बस सेवा शुरू की जाए इसी तरह फीस आसान किस्तों में जमा करने की सहूलियत दी जाए और सिर्फ ट्यूशन फीस 30% ली जाए और फीस माफ़ की जाए इस मीटिंग में कई स्कूलों ने 3 महीने की फीस माफ़ करने की भी बात कही है मगर वहीं स्कूल के तरफ से भी जानकारी दी गई है कि उनके भी टीचर्स हैं स्कूल की बिजली बिल है सुरक्षा गार्ड का खर्च है ऐसे तमाम परेशानियाँ उनके पास भी हैं मगर इसके बावजूद उनके तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि पेरेंट्स को स्कूल के तरफ से कोई भी परेशानी ना हो शमीम खान ने बताया कि 2 दिन में सभी जो 70 से 78 स्कूल इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनसे एजेंडे पर हस्ताक्षर कराया जाएगा और उन्हें जो मांग की गई है उसे पूरा करने के लिए कहा जाएगा अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरह से एनसीपी के कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान ने जो एजेंडा तैयार किया है क्या कौसा मुमरा के जो स्कूल है वो इनकी मांग पूरी करते हैं या नहीं अगर आपसे हम कहें तो कहीं ना कहीं कुछ स्कूल और कॉलेज अपनी मनमानी कर रहे थे और कर रहे हैं इसको लेकर के आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी इसका हमारा जो एजेंडा था सर हम आपके सामने बताना चाहते हैं हमारा एजेंडा ये है नंबर 1 पुराने साल की बाकी फीस सभी पेरेंट्स को जल्द से जल्द स्कूल को अदा करनी चाहिए नंबर 2 आरटीई का अमाउंट जो टीएमसी ने अब तक अदा नहीं किया है वो जल्द से जल्द अदा करें जल्द से जल्द अदा किया जाए ताकि स्कूल वालों को कोई फाइनेंशियली दिक्कत ना पेश आए नंबर 3 इस नो डोनेशन पॉलिसी के तहत सारी स्कूलों को इस कोरोना के हर तरह का डोनेशन माफ करना चाहिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं नो डोनेशन पॉलिसी के तहत सारी स्कूलों को इस कोरोना का साथ देते हुए तरह का डोनेशन माफ करना चाहिए नंबर 4 डोनेशन तो होना ही नहीं चाहिए नहीं डोनेशन होना नहीं चाहिए हम वही मांग कर रहे हैं कि नो डोनेशन नहीं होना चाहिए नंबर 4 एक्टिविटी फंक्शन कंप्यूटर स्पोर्ट्स एनुअल डे लेबोरेटरी और हर इस तरह के एडिशनल कॉस्ट को माफ करना चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं वो बैठ करके ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये सब चीजें होना नहीं चाहिए नंबर 5 नया यूनिफॉर्म जो भी स्कूल हर साल परचेस करना
कंपलसरी करती थी उनको ये साल कंपलसरी नहीं करनी चाहिए, जिसे चाहिए वो ले, जिसे नहीं चाहिए उसे फोर्स ना करे। नंबर छह, बस ट्रांसपोर्टेशन की फीस तब से ली जाए जब से स्कूल एक्चुअल में फिजिकली शुरू हो। नंबर सात, फीस को आसान किस्तों में भरने की सहूलियत दी जाए, जैसे जैसे तीन महीने की पुरानी फीस, इस साल किसी भी तरह की लेट फीस पेनाल्टी नहीं ली जानी चाहिए फीस देर से आने पर। नंबर आठ, एक रेगुलेशन पर सबकी सहमति ली जाए जो लोग भी इसके लिए खुद से अपनी रजा से राजी हों। वो स्कूल जो खुद से इस सारी बातों पर अपना अमल करेंगे उन स्कूलों पर मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मीडिया की तरफ से भी कोई कार्रवाई या ऐसी कोई चीजें ना हो। फाइनली जो डिस्कशन में सर मैं कार्रवाई की बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर से इन सब चीजों को ये बांध जाते हैं तो मीडिया से मैं विनती करता हूं कि मीडिया भी उनके बारे में उनको हौसला अफजाई करे। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा, मीडिया तो आईना है इस्लामुद्दीन साहब, मीडिया तो वो आईना है जो ये दिखाती है, पूरे देश को दिखाती है। आज अगर देश चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अहम रोल मीडिया का भी है। आज अगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो ट्यूशन फीस है उसमें 30% माफ किया जाए और कोई भी अदर चार्जेस ना लिया जाए। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो ये मीटिंग हुई है मुझे उम्मीद है कि यहां पे मौजूद तमाम प्रिंसिपल्स और तमाम वो ट्रस्टियों ने इन बातों को बहुत अच्छे से समझा है। आज बहुत सारे स्कूलों ने ऐलान भी किया है कि मैं 30% हमारी फीस कम कर रहे हैं, कोई 50% बोला है, कोई 40% बोला है, उसको हम लोगों ने, मैंने शानू भाई ने नोटिंग कराई है, उसके बारे में हम लोग वहां जाएंगे। हम बड़ा दस अलीदाया है सर, ऐसे 50% कम किया उन्होंने, ऐसे कई सारे स्कूल है उसके लिए लिस्ट जारी करेंगे हम लोग। और मैं आज शिवभोजी के सर ने भी कहा है, शिवभोजी सर ने भी कहा है कि हम भी कम करेंगे, उन्होंने एकदम फाइनली स्टेज पर जवाब नहीं दिया है। पेरेंट्स का कहना है कि जब स्कूल खुले ही नहीं, पढ़ाई हुई नहीं, तो फीस क्यों ली जाए? देखिए सर, लेना ही उसका जवाब मैं आपको माफ करके और ये करके क्या सर, नहीं नहीं जा रहा है इस्लामुद्दीन साहब, आप मेरी बात सुनिए, हर चीज को राजनीति मत लीजिए, राजनीति मत लीजिए, सुनिए सर जवाब देने दीजिए आप, हर बात को राजनीति मत लीजिए। आज पूरे देश की बात करता हूं मैं, सुनिए सुनिए सर, सुनिए ना सर, अरे लोगों को बोलने दीजिए, जो काम करता है उसको लोगों की फिक्र, उनको उसकी फिक्र नहीं होती जो कमेंट्स करते हैं, हमें हमारे आवाम की फिक्र है, हम लोगों को, हम दोनों को, हमारी आवाम के लिए हम यहाँ पे 6 घंटे से बैठे हुए हैं, 4 दिन से प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपसे, और आपसे कहना चाहूंगा सर कि ये जो ये बताइए ना कि अगर पढ़ाई नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, बंद था सर, सुनिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, ऐसा है कि ऑनलाइन, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, अरे भाई आप जवाब तो लीजिए मुझसे, आपने पूछ लिया जवाब से लीजिए, जो ऑनलाइन पढ़ाई का भी महिला, अरे भाई आप ही खुद बोलेंगे, हम तो पूछेंगे आपने, अरे सर आप जवाब तो मुझे लीजिए मेरे, आप सुनिए ना, ऐसा है, एक मिनट मैं, अरे आप ही खुद बोलेंगे या आप पत्रकारिता का नहीं बोलूं मैं, अगर पूछे मुझे जवाब लीजिए, आपने सवाल किया ऐसा मुझे जवाब ले लीजिए कि जो बातें हैं कि आपने कहा कि फीस कुछ नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं, मैं इसे जवाब देना चाहता हूं, आपने कहा पढ़ाई नहीं हुई, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, ऐसा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एक रूल्स होता है और उसके साथ साथ में जो भी स्कूल है अगर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है तो उनके भी टीचर्स हैं, उनके भी लोग हैं, उनके भी खर्चे हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि 30% ट्यूशन फीस को माफ किया जाए, इसीलिए तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्टिंग को माफ किया जाए, इसीलिए तो हमने कहा कि अदर चार्जेस ना लिया जाए। तो ये जब जो चीजें की जा रही है, ये जो चीजें है ये आवाम के लिए ही की जा रही है। आज ऐसी मीटिंग और अल्लाह ने चाहा तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे इन स्कूल के ट्रस्टियों से, हमारे इन स्कूल के प्रिंसिपल से
कि इंशाल्लाह ताला ये शमीम खान के और शानू पठान की आवाज नहीं है। मैं कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, ये आवाज मुमरा कौसा की एक एक उस आवाम की है जिस आवाम को घर में खाने के लिए मुश्किल है। टोटल 78 प्रिंसिपल और ट्रस्टीज मिला के शामिल हुए थे। सबने ये उम्मीद दिलाई है कि हम, मैं शानू भाई, हमारा जो एजेंडा है उनके सामने रख दिए हैं। उनको हम लोग 2 दिन का टाइमिंग दिए हैं, वो सहमति करेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन पे उनका सिग्नेचर्स होगा। और उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने ऐलान भी किया है वो लोग इस पे अमल करेंगे। और कुछ अगर स्कूल और कॉलेज इन बातों पे अमल नहीं करता है तो इस्लामुद्दीन साहब, फिर हमको भी मालूम है कि वो कहां कहां कमियां उनके अंदर है, कहां कहां उनकी मिस्टेकें होती है, कहां गलतियां करते हैं। तो फिर जैसे एक बार मैंने TMT का स्टिंग ऑपरेशन किया था, मुझे लगता है कि उन स्कूलों का भी मुझे और शानू पठान को स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। माफ करना, मैंने डराने की बात नहीं किया, मैंने पहले विनती की बात किया, लेकिन अगर से उसके बाद भी मंत्री जी महोदय की बातों का, मंत्री महोदय का इतना रिस्पेक्ट नहीं हमारे इन लोगों का, जो लोग आज यहाँ बैठ करके हम लोग उनसे अपील कर रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं, उस भूखी आवाम का, उस परेशानी जनता का कोई ख्याल नहीं, तो डराना नहीं है, हमारा फर्ज बनता। देखिए एक बात आपको साफ बता दूं, जो माननीय मिनिस्टर साहब जितेंद्र राव साहब ने जो मशवरा किया, जो भाई साहब शमीम बार धुबी नगर सोखों से मिलके मशवरा हुआ है, हमारी मांग 50% की थी, लेकिन 30% फीस और बाकी अदर्स चार्जेस उना लिया जाए, ऐसी सहमति बनी। और कई स्कूलों ने यहाँ पे मान भी लिया, अल्लाह दिल फला बाकी सब स्कूल। आपको एक बात बता दूं, कोरोना के महामारी में हर आदमी ने अपना फर्ज अदा किया है, हर आदमी ने अपना आगे आके कोरोना से लड़ाई लड़ी, चाहे वो डॉक्टर के पेशा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे पुलिस कर्मचारी, चाहे ऑफिसर, चाहे सफाई कामगार से लेके राजनेताओं ने, चाहे प्रेस, हर आदमी ने आगे बढ़ के इस लड़ाई के लिए अपना साथ दिया है और आगे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वक्त आ गया है एजुकेशन के डिपार्टमेंट से लोगों को आगे आने का, इसीलिए इस महामारी में जो प्रिंसिपल है और जो ट्रस्टी है उनको अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। और वो अब उनका वक्त है कि वो अपने शहर के लिए क्या कर रहे, इस शहर ने सभी को बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है अब देने का। क्या हम 1 साल की फीस के अंदर 6 महीने की माफ नहीं कर सकते, ये प्रश्न उठता है। और अगर जिम्मेदारों ने और ट्रस्टियों ने ये मांग नहीं मानी तो मैं आपको साफ बोलता हूं, फिर हमें आंदोलन के जरिए, उनकी कमियों के जरिए, कॉरपोरेशन के जरिए, कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए जो भी लगेगा वो कार्रवाई करेंगे, चाहे उन्हें बुरा लगे तो लग जाए, क्योंकि हर आदमी ने अपने लिए अपनी जिम्मेदारी बाखूदी निभाएगी। जब एक ट्रस्ट, जब एक प्राइवेट ट्रस्ट, एक जाति संस्था है, लाखों रुपए का पेंडेमिक में राशन और मदद मुहैया करा सकती है, कई संस्था है एम्बुलेंस दे सकती है, तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन की फील्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती? यह वक्त आ गया है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। और मैं मुबारकबाद देता हूं कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है ना। आज 78 लोग यहाँ पे जो आए थे ट्रस्टी, उन्होंने उनमें से 25% लोगों ने यही डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सुकून से 2 दिन सोचे और एक ठोस निर्णय पे प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि मुमरा कौसा की आवाम को सहूलत मिल सके।